इंग्लैंड के एक गांव में मार्शल नामक फलों का व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत अच्छा था। मार्शल का बेटा थॉमस पढ़ लिख कर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगा था। वह खूब मेहनती और होशियार था। पिता को अपने पुत्र की काबिलियत पर गर्व था। मार्शल की इच्छा थी कि उसके बेटे के लिए एक ऐसी लड़की मिले जो खूब मेहनती हो और उसे काम करने में आलस ना आता हो। मार्शल का मानना था कि ऐसी लड़की उसके बेटे और घर का ध्यान बहुत अच्छी तरह रख सकेगी, परंतु समस्या यह थी कि ऐसी लड़की को कहां से ढूंढ कर लाया जाए। वह किसी दूसरे पर यकीन नहीं करना चाहता था। मार्शल ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसने रेहड़ी पर ढेर सारे फल रखे, उसे लेकर स्वयं एक मोहल्ले में चला गया। वहां जाकर मार्शल ने आवाज़ लगाई, ले लो, धूल मिट्टी के बदले संतरे सेब केले ले लो, बिना पैसों के फल ले लो। वह जिधर से निकलता वहीं स्त्रियां घरों से बाहर निकलकर देखने लगती कि कौन मूर्ख है जो बिना पैसों के फल बेच रहा है। अनेकों स्त्रियां आपस में खुसर-फुसर करने लगीं कि शायद यह लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, हो सकता है इसका कोई और मकसद हो। उन स्त्रियों ने आपस में तय किया कि उनमें से एक को जाकर फल वाले को आजमाना चाहिए। एक स्त्री ने फल वाले के पास जाकर पूछा, भाई ये धूल मिट्टी का क्या चक्कर है, कितनी धूल मिट्टी में कितने फल दोगे? मार्शल बोला, तुम जितनी ज़्यादा धूल मिट्टी लाओगी उतने ही ज़्यादा फल ले सकती हो। स्त्री को यकीन नहीं हुआ, वह फल वाले को रुकने को कहकर अपने घर में चली गई। उसने जल्दी जल्दी घर में झाड़ू लगाई, कोनों कोनों से मिट्टी निकाली और फल वाले के पास पहुंच गई। फल वाले ने उसे ढेर सारे फल दे दिए। अन्य स्त्रियों ने देखा तो उनमें फल लेने की होड़ मच गई। सभी स्त्रियां अपने घरों से झाड़ू लगाने लगी, खूब धूल मिट्टी उड़ने लगी। कोई थैला भरकर मिट्टी लेकर पहुंची तो कोई बोरा भरकर। सभी स्त्रियां व लड़कियां खुश थीं कि कोई बेवकूफ़ उन्हें धूल के बदले में मुफ्त में फल दे रहा है। तभी एक लड़की फल वाले के पास पहुंची। फल वाले ने देखा कि वह खाली हाथ आई है तो उसने पूछा, क्या तुम्हें फल नहीं चाहिए? उस लड़की ने सकचाते हुए अपने हाथ में से एक रुमाल निकाला जिसमें मुश्किल से दो चुटकी धूल थी। वह बोली, श्रीमान जी, क्या इतनी धूल में भी आप कोई फल दे सकते हो? मार्शल बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जो चाहो वो फल ले सकती हो, पर ये बताओ कि क्या तुम्हारे घर में सिर्फ इतनी ही धूल निकली? लड़की ने शर्माते हुए बोला, दरअसल मेरे घर में तो बिल्कुल भी धूल नहीं थी। पड़ोस की आंटी ने मुझसे अपने घर की धूल इकट्ठा करने को कहा था ताकि मैं उनके लिए यदि कोई फल मिल सके तो ले लूँ। आप इतनी धूल के बदले जो फल दे सके दे दीजिए। मार्शल ने उस लड़की से कहा, यह सारे फल तुम ले सकती हो, मैं तुम्हारे पिता से मिलकर तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। लड़की ने अपने घर की ओर इशारा किया और शर्माते हुए घर में घुस गई। मार्शल ने उस लड़की को अपनी बहू स्वीकार कर लिया। इतने बड़े व्यापारी के घर में रिश्ता तय करके लड़की का पिता बहुत खुश था। इधर मार्शल बहुत खुश था कि उसे इतनी मेहनती और होशियार लड़की बहू के रूप में मिल रही है जिसके घर में एक चुटकी भी धूल नहीं मिल सकी। Don't forget to like and subscribe.